नमस्कार, द पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार के आज के बड़े फैसले के बारे में आपको बताने वाले हैं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है, आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ में आज मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ही ऐलान किया है, महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार ने आज खास तोहफा जारी किया है। इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप मोदी सरकार के नए बड़े ऐलानों के बारे में, नई बड़ी खबरों के बारे में जान पाए। जी हाँ, आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप खुश हो जाइएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आधार कार्ड इंडिया में हर किसी के पास है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके आधार कार्ड लिंक या आपके इनकम टैक्स में आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मोदी सरकार ऐसे लोगों को मुफ्त में लोन दे रही है। जी हाँ, बिना किसी ब्याज दर के आप 3 लाख रुपए तक का नजदीकी किसी बैंक में या सरकारी बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि महिलाओं के लिए एक बार बड़ा खुशी का मौका आ चुका है। जी हाँ, महिलाओं को ऑलरेडी मोदी सरकार 500 रुपए की किस्त जारी कर चुकी है, यानी महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में 500 रुपए डाले जा चुके हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार महिलाओं के लिए खास तोहफा लेकर आई है। एक बार फिर से मोदी सरकार महिलाओं के खाते में 500 रुपए दोबारा से फिर से डालने जा रही है। ये धनराशि आपको बहुत जल्द 5 से 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में मिल जाएगी। उसी बीच आपको बता दें कि देश के लिए काफी बड़ी बुरी खबर है। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दाम काफी हद तक बढ़ सकते हैं और डेली प्राइस रिवीजन शुरू होने के आसार बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सोने के भाव में भारी गिरावट, चांदी भी महंगी। आपको बता दें कि सोने के भाव में 45,789 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पर चांदी का भाव भी 43,325 रुपए प्रति किलो देखा गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वदेश में 17 मई के बाद आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हां, लॉकडाउन अभी तक 17 मई तक मोदी सरकार ने टाइम फिक्स किया है, लेकिन अभी आपको बता दें कि आपके लिए बुरी खबर है कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे देश के अंदर स्पेशल छूट दी जाएगी। वो छूट क्या क्या हो सकती है इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस आ चुके हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 67,152 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अगली बड़ी खबर आपको बता देगी, 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है तिरुपति मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के ना जाने पर और आम पब्लिक के रोक लगने से वहां पर 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तिरुपति के कर्मियों को पूरा वेतन दिया जाएगा, वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, ये आज स्पष्ट हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस की वापसी हो चुकी है। दर्जनों केस के बाद फिर से चीन के अंदर लॉकडाउन लगने जा रहा है। चीन के वुहान शहर के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन था, 90 दिनों तक लॉकडाउन रहा था, फिर भी चीन के अंदर कोरोना वायरस की वापसी हो चुकी है। यहाँ के रूस बॉर्डर पर स्थित शहर में कोरोना वायरस के दर्जनों मरीज पाए गए हैं और इस शहर को बहुत जल्द लॉकडाउन कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अगले एक महीने में 1.5 लाख से ऊपर जा सकती है देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। जी हाँ, हमारे देश के अंदर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने बड़ा दावा किया है कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर जा सकती है, 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, वित्त मंत्रालय ने स्पेशल रिपोर्ट जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, कल से 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी बिहार के मजदूरों के लिए और जिनको आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 40,000 मजदूरों के खाते में केजरीवाल बड़ी ही धनराशि डालने वाले हैं। जी हां, दिल्ली के अंदर काम करने वाले 40,000 मजदूरों के खाते में केजरीवाल 5,000 रुपए का भत्ता डालने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो लॉकडाउन के 1.5 महीने बाद भी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। केंद्र ने राज्यों के सभी निजी क्लिनिक खुलवाने के आदेश दे दिए हैं कि राज्य के सभी नजदीकी क्लिनिकों को खोल दिया जाए। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनों से अब तक 5 लाख लोग घर पहुंच चुके हैं, विदेशों से 4,000 भारतीयों को वापिस लाया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पेशल और बड़ी रिपोर्ट जारी की है कि स्पेशल ट्रेनों से 5 लाख से ज्यादा लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। जी हां, 300% बढ़ाना चाहता है न्यूक्लियर हथियार। जी हां, चीन फिर से परमाणु युद्ध की तैयारी में लग चुका है।
चीन 300% अपने हथियारों को जखीरा को बढ़ाना चाहता है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दुनिया भर में जहां कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, वहीं लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमित हो चुके हैं पूरी दुनिया भर के अंदर। वहीं चीन न्यूक्लियर हथियार को बनाने में लगा हुआ है। ये थी आज की देश भर की बड़ी खबरें, मोदी सरकार की बड़ी खबरें। आपको कैसे लगी आप कमेंट कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।